Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I'm Jitin sir, I'm teaching you guys physics. So my dear children, jaisa ki aap jante ho, we are dealing with a topic called as mechanical properties of solids, jisme elasticity ka concept chal raha hai. Yahan par hum log ne ab tak Young's modulus seekha, bulk modulus seekha, modulus of rigidity seekha, that is y seekha, k seekha, eta seekha and Poisson's ratio seekha. And hum slowly karke unke beech ke relations ek ek karke derive kar rahe hain. Iske pehle hum log ne already derive kiya the relation between Young's modulus, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो. देन हम लोग ने डिराइव किया यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो. यहाँ पर हर बार पॉइजन्स रेशियो था, लेकिन ये तीनों मॉडुलस को एक साथ रिलेट करने का अब तक हम लोगों ने डेरिवेशन नहीं किया था. इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इन तीनों मॉडुलस, दैट इज वाई के एंड ईटा, इन तीनों को आपस में कैसे रिलेट किया जा सकता है. वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वाई के एंड ईटा. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसके पहले जो मैंने दो रिलेशन बोले, ये दोनों रिलेशन के डेरिवेशन मैंने इसके पहले करवाए हैं, वो डेरिवेशन के वीडियो देखें, उसके बाद यहां पर आए, then only this video will be very much fruitful for you guys. एक sequence में जाएंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा. Okay, so but still जिन्होंने attend नहीं किया वो derivation, उनके लिए मैंने यहां पर वो formula लिख के रखा है. ये एक formula हम लोग ने एक वीडियो में डिराइव किया था, ये फॉर्मूला हम लोग ने दूसरा एक वीडियो में डिराइव किया था. ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद है, डेरिवेशन भी याद नहीं है, तो भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, ये चीज़ याद रख लीजिएगा. अल्फा इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज नथिंग बट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, बीटा इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज नथिंग बट लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट टेस्ट पर यूनिट स्ट्रेस. अब हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, अल्फा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस होता है, जिसमें से हम लोग बता सकते हैं कि भाई अल्फा जो होती है वो 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस होती है. ये एक टर्मिनोलॉजी हमारे दिमाग में रखते हैं. उसके अलावा बीटा इज लैटरल एंड अल्फा इज लॉन्जिट्यूडनल. पॉइजन्स रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, देयरफॉर सिग्मा के जगह पे हम लोग बीटा अपॉन अल्फा भी लिख सकते हैं. ये हो गया हमारा इतना टर्मिनोलॉजीज. अब ये जो टर्म है इसको फर्स्ट वाले में सब्सटीट्यूट करते हैं, आई विल बी गेटिंग सिग्मा ईटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, दिस विल गिव मी वाई के जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1 बाई अल्फा, सो 1 अपॉन 2 तो पहले से ही है, ये अल्फा यहाँ पर लिख लेता हूँ, सो वाई के जगह पे 1 बाई अल्फा लिख के 1 प्लस सिग्मा के जगह पे लिखूंगा मैं बीटा अपॉन अल्फा. ओके, यहाँ पर मैं अल्फा को अंदर घुसाने के बाद हमें मिलेगा 1 बाई 2 टाइम्स अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा, जिसमें से जिसको मैं उल्टा करके लिखूंगा तो मुझे ऐसे मिल सकता है, दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा is equal to 1 by eta. Let me call this equation as equation number 1. अब सेकंड इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, इसी चीज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज k इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ y, y जो है अल्फा का इनवर्स है, तो y की जगह पे लिखूंगा मैं 1 by अल्फा, 3 यहां पर है, 3 एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं, 1 minus 2 times सिग्मा की जगह पे लिखूंगा मैं बीटा अपॉन अल्फा. ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट अगर ओपन कर दिया तो मुझे मिलेगा 1 बाई, मैं सिर्फ है ना 3 को बाहर रख के ना अल्फा को अंदर भेज देता हूँ, दिस विल गिव मी इन द ब्रैकेट अल्फा माइनस 2 बीटा. ओके, अब इसको एक्सचेंज अगर करूँगा मैं तो मुझे मिलेगा अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 3 के, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. अब ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 1 प्लस 2 दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर दोनों को ऐड करूँगा तो LHS देखते हैं, 2 अल्फा प्लस अल्फा गिव्स यू 3 अल्फा, 2 बीटा माइनस 2 बीटा कैंसल्स, RHS में क्या होगा 1 बाई ईटा रहेगा प्लस 1 बाई 3 के रहेगा. ओके, अब ये अल्फा मतलब क्या होता है, अल्फा इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 3 के plus 1 by eta, and that's your relation between Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. I believe itna clear hai aap logon ko. My dear children, please pause the video and make a note of it. I believe ye aap logon ne note down kar liya hai. Iske alawa main aapko ek chota sa aur relation de sakta hoon. सो माय डियर चिल्ड्रन, ये तीन फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, उसके अलावा ये फॉर्मूला, उसके अलावा ये फॉर्मूला, दैट इज इन दोनों फॉर्मूले को अगर मैं लिखूंगा तो इस तरह लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू 3 के इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, एंड दिस इज वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस. अनदर फॉर्मूला इज वाई इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा. तो ये तीन फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ये तीन फॉर्मूले के अलावा आप चाहिए तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करके एक और फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, दैट इज इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो इट इज़ नथिंग बट 1 इज इक्वल टू 3 के इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 ईटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा, जिसमें से के को अगर आइसोलेट करेंगे बाकी सबको एक तरफ लेके आएंगे, सो के विल बी इक्वल टू
2 eta 1 plus sigma upon 3 in the bracket 1 minus 2 sigma. ये एक्सप्रेशन आप के लिए क्रिएट कर सकते हो. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन शॉर्ट दीज थ्री एक्सप्रेशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर. अगर ये तीनों एक्सप्रेशंस अच्छे से याद रहेंगे ना आप लोगों को, कोई और टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. एवरीथिंग इज कवर्ड वाई के ईटा एंड सिग्मा. सो आई बिलीव माई डियर चिल्ड्रन, ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए. यहाँ पर अभी आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा. मैं जब साइड में गया था आप लोगों को लिखने के लिए बोला था, तभी आप लोग ने पॉज करके नोट डाउन भी कर लिया होगा मैं बिलीव करता हूँ. सो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी हो जाएगा. मिलते हैं माई डियर चिल्ड्रन एक और वीडियो के साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. बाय बाय.